आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चिल्ला। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 2 चम्मच बेसन लेकर उसको फेंट कर रख देना है 10 मिनट के लिए। अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक मिलाया है। अच्छी तरह फेंट लेना है, इसमें कोई गांठ ना रह जाए। और इसके ऊपर स्टफिंग के लिए हमने थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और पनीर ले लेना है। प्याज टमाटर को कट करके रख लेना है और मसाला बना लेना है, जिसमें नमक, मिर्च, काली मिर्ची, चाट मसाला और पुदीना पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स करके रख लेना है। चलिए सबसे पहले नॉनस्टिक फ्राई पैन ले लेना है या तवा ले लेना है और उसको पोंछ लेना है। बिल्कुल भी घी नहीं डालना और बेसन के मटेरियल को उस पर डाल देना है। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम होनी चाहिए या मीडियम होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज कटे हुए, टमाटर, हरी मिर्ची और पनीर। दो मिनट में ये कुक हो जाता है। अब हम पलटे से थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो मसाला है वो सारा इसके ऊपर चिपक जाए। चिल्ला रेडी है। अब इसको फोल्ड कर देना है रोल की तरह। और इसको आप सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बेसन का चिल्ला आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।